मंगलवार को यूपी विधानसभा में गहमा गहमी का माहौल रहा, जहां एक ओर सीएम योगी ने सपा नेता शिवपाल यादव को लेकर तंज कसने की कोशिश की, तो वहीं योगी की बात का पलटवार करते हुए शिवपाल ने योगी को अपने ही मंत्रियों से सावधान रहने की नसीहत दी। यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी उसकी अंदरूनी टूट की खबरें लगातार सामने निकल कर आ रही है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा मंगलवार को यूपी के विधानसभा में देखने को मिला। विधानसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने माता प्रसाद पांडे को सपा का नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर पार्टी पर तंज कसने की कोशिश की। उन्होंने अपने ठीक सामने बैठे सपा नेता शिवपाल यादव को लेकर कहा कि चाचा को फिर गच्चा दे दिया गया, जिसके बाद शिवपाल यादव ने सीएम योगी की बात का पलटवार करते हुए इशारों में ही उन्हें चेतावनी दे डाली। शिवपाल यादव ने कहा कि हमें कोई गच्चा नहीं दिया गया है, माता प्रसाद बहुत सीनियर है इसलिए नेता विपक्ष बनाए गए हैं, और गच्चा देने की बात करें तो आपके डिप्टी सीएम बहुत जल्द आपको गच्चा देने वाले हैं और 2027 में हम राज्य में एक बार फिर सपा की सरकार बनाएंगे। और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर वो आपको फिर गच्चा देंगे। शिवपाल के इतना कहते ही सदन शोर और ठहाकों से गूंज गया। शिवपाल ने डिप्टी सीएम का उल्लेख कर सीएम योगी को सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य की याद दिला दी, जिनको लेकर आजकल यूपी की राजनीति में चर्चा गर्म है। बता दें कि पिछले दिनों मौर्य संगठन सरकार से बड़ा है कहकर चर्चा में आ गए थे। वहीं योगी की तमाम मीटिंग से डिप्टी सीएम का नदारद रहना भी इस बात का संकेत था कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब शिवपाल की इस चेतावनी से एक बार फिर चर्चा गर्म हो गई है कि क्या यूपी बीजेपी में केशव मौर्य बहुत जल्द कोई खेल करने वाले हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।